हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ध्यान सी क्लासेस। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज मैं एक नया आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूंगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में देना है, देन आपको इसका राइट आंसर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो पहला क्वेश्चन है Which one of the following is not correctly matched? यानी कि आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा सही प्रकार से मैच नहीं है। सत, रज, तम एंड प्रकृति। तो सत का मतलब है द गुना ऑफ गॉडेस, रज द गुना ऑफ एक्टिविटी, तमस मीन्स द गुना ऑफ डार्कनेस एंड प्रकृति द सेकेंड कॉज ऑफ द मैनिफेस्ट मेटेरियल यूनिवर्स। हिंदी में इसका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सत्व एक अच्छाई का गुण है, रजस एक गतिविधि का गुण है, तमस अधिकार का गुण है और प्रकृति का मतलब है प्रकट भौतिक ब्रह्मांड का दूसरा कारण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है ए बी सी और डी में से। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत आत्मन इज आइडेंटिकल टू ब्राह्मण एंड देर इज नो डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द्वैता द जीवात्मा इज टोटली एंड ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट या ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट या वन एंड टू बोथ आर करेक्ट और डी है नाइदर वन एंड नॉर टू इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा तो आपको बताना होगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा ब्रह्मा के समान है और इनके मध्य कोई अंतर नहीं है। वहीं द्वैत मत के अनुसार जीवात्मा ब्रह्मा से पूरी तरह और हमेशा से अलग है। तो क्या इनमें से दोनों कथन सही है या ओनली वन सही है या केवल टू सही है या इनमें से ना एक सही है ना दो सही है, आपको आंसर बताना होगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आइडेंटिटी इट। ऑप्शन ए अनेकांतवाद डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट। ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू जैनिस्ट दैट अ वुमन हैज द एबिलिटी टू ऑब्टेन निर्वाण इन द धर्म एंड ऑप्शन सी जैनिज्म डिनाय इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल जीवा या सोल जिसको बोलते हैं एंड डी बुद्धिस्ट डिनाय द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ और सोल। हिंदी में देखिए कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन ए है अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जैन धर्म के अनुसार एक महिला धर्म में निर्माण प्राप्त करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी जैन एक शाश्वत जीव के अस्तित्व में इनकार करते हैं। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म स्वयं जीव या आत्मा की अवधारणा को नकारता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। फिनोमिस्टिक आइडियलिज्म ये फिट्से का है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हीगल का है, प्लूटोनिक आइडियलिज्म प्लूटो का है एंड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बर्कले का है। सो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ज्ञान बालता पूर्ण आदर्शवाद फिट्से का है, पूर्ण आदर्शवाद हैगल का है, प्लूटोनिक आदर्शवाद प्लूटो का है एंड विषय परक आदर्शवाद बर्कले का है। क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से प्रैग्मेटिज्म का करेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा। तो पहला है ट्रुथ इज टेस्टेड बाय क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। बी इफ आइडियाज वर्क दे आर ट्रू। सी थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रादर देन बाय हैविंग फिक्स आइडिया एंड डी ट्रुथ इज मेड इन द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है इनमें से। पहला है सैद्धांतिक परिणाम से सत्य का स्वाद चखा जा सकता है, अगर विचार काम करते हैं तो वो सच होते हैं। एक व्यवहारिक और समझदार तरीके से समस्याओं को हल करने के बारे के बजाय विचारों से होने के बारे में सोचना। डी सत्य अनुभव के क्रम में बनता है। तो प्लीज गाइस, इस क्वेश्चन के लिए बेटर होगा कि आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखें, वो ज्यादा अच्छे से है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म फॉलोइंग टाइप ऑफ रोल इज नॉट प्ले बाय द टीचर्स। इसमें से कौन सा जो रोल है वो टीचर के द्वारा प्ले नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। द टीचर प्ले हिज रोल बिहाइंड द स्कैन यानी कि टीचर कर्टेन के पीछे है। यहाँ पे बी द टीचर शुड इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सी द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर और एन ऑब्जर्वर। ऑप्शन डी द रोल ऑफ द टीचर इज दैट ऑफ अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। हिंदी में देखते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक द्वारा निम्न किस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई जाती है।
ऑप्शन ए शिक्षक पर्दे के पीछे अपनी भूमिका निभाता है, ऑप्शन बी शिक्षक को बच्चे के प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप करना चाहिए, शिक्षक के सूत्रधार या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, डी शिक्षक की भूमिका एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कुरानिक पर्सपेक्टिव नॉलेज इज द प्री कोसाइट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जस्ट वर्ल्ड इन विच ऑथेंटिक पीस कैन प्रिवेल। रीजन इसका दिया है द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज टू फैसिलिट अ चाइल्ड्स लर्निंग इन सच अ वे एज टू अक्वायर अ लर्निंग। ए फॉल्स है एंड आर करेक्ट है, बोथ ए और आर करेक्ट है एंड आर सही एक्सप्लेनेशन है, ए का वही सी है, बोथ आर करेक्ट बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन डी है ए इज करेक्ट बट और आर इज फॉल्स। हिंदी में देखते हैं, कुरान के दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान एक न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए एक पूर्वापेक्षा है जिसमें प्रमाणिक शांति कायम हो सके। इसका तर्क दिया है शिक्षा के इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की शिक्षा को इस प्रकार से सुगम बनाना है कि वह अल्लाह को प्राप्त कर सके। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, डी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस एंड बैक टू वेदास स्लोगन वाज गिवन बाय होम। तो ये जो स्लोगन था वो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। इंडिया फॉर इंडियंस और बैक टू वेदों की ओर लौटिए, भारत भारतीयों के लिए है, ये जो नारा था वो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। सेकंड, फिलोसफी प्रोवाइड द एम ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन मेक इट प्रैक्टिकल। थर्ड है, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन शो द डायरेक्शन एंड फिलोसफी एज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में से कि आपको इन इसमें से कोई भी एलिमिनेट करना है। अगर लग रहा है कि इनमें से क्या नहीं हो सकता, अगर आप उसको देख लें तो आप इसको बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं, या हो सकता है सारे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। हिंदी में देखते हैं, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शिक्षा का उद्देश्य प्रदान करता है और शिक्षा इसे व्यवहारिक बनाती है। शिक्षा दर्शन का व्यक्तियात्मक पहलू है एंड शिक्षा दिशा और दर्शन को विहार के संशोधन के रूप में दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट के बारे में यहाँ पे थ्योरीज दी हुई है। यहाँ पे रिलेटिव डेप्रिवेशन द प्रोसेस यूज्ड बाय वेरियस सोशल मूवमेंट टू प्रमोट एजेंडाज एंड चेंज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, द कैपिटलिस्ट एंड क्लास एंड साइज कंट्रोल द इकोनॉमी एंड द सोर्सेज। ऑप्शन 3 है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम रिसोर्स प्रोवाइडर यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज। का मतलब है गिविंग इंपोर्टेंस इज अटेंड्स टू सोशल एंड कल्चरल कंसर्न रादर देन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सो गाइस, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है दैट मींस कि आपको जितनी भी सोशल मूवमेंट की थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सामाजिक आंदोलनों के चार सिद्धांत और चारों की यहाँ पे परिभाषाएं दी हुई है, आपको बस इतना बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन का के बारे में चार दो स्टेटमेंट है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 है, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस दैट सोशलाइज एज अ चाइल्ड एंड कॉज सर्टेन चेंज इन हिज बिहेवियर एंड एजुकेशन सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विच स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, या सिर्फ ओनली 1 करेक्ट है या ओनली 2 करेक्ट है। आइए देखते हैं हिंदी में समाजशास्त्र और शिक्षा के बारे में। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बच्चे का समाजीकरण करती है और उसके व्यवहार में कुछ बदलाव लाती है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुशासन की एक शाखा है जो समाज और शिक्षा के बीच संबंधों की समस्याओं का अध्ययन करती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का
क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है, आर्टिकल 19, 21, 21A एंड 22, आर्टिकल 14 एंड 18, आर्टिकल 15 एंड 30 एंड 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था. तो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशलिज्म एंड सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड सेकुलर, तो ये जो वर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे किस किस आर्टिकल में या किस अमेंडमेंट में दिए गए हैं आपको बताने हैं. तो अनुच्छेद 19, 21, 21 ए, 22 एंड 14 से 18 तक एंड 15 से 30 तक एंड 22वां जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं या कौन सा सही सुमेलित नहीं है. तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ए बी सी डी में से एक ऐसा है जो गलत तरीके से यहाँ पे मैच है. क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस बिलोंग टू कोठारी कमीशन, इनमें से कौन कौन सी जो रिकमेंडेशन है वो कोठारी कमीशन से बिलोंग करती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी, एजुकेशन कमीशन में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करना, मोरल रिलीजियस एजुकेशन की बात करना, एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन की बात करना एंड सिलेक्टिव एडमिशन की बात करना. तो ये जो बात है वो कहाँ पे दी हुई है कोठारी कमीशन में या कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें से नहीं है, उनको आप अलग कर देंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा. तो सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है. तो कौन सी सिफारिश जो है वो कोठारी आयोग से संबंधित है, तो इनमें से अगर आपको ये निकाल देते हैं कि कौन सी नहीं हो सकती है तो भी आपको सही आंसर मिल जाएगा. तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है. क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेन एम ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के कौन कौन से एम हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो आपको बताने हैं. डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी एंड 5 यहाँ पे है स्टेटमेंट कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप. तो इसमें से कौन कौन से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से संबंधित है आपको बताना है, ए या बी या सी या डी. हिंदी में देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के को कौन से ये मुख्य उद्देश्य सबसे अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा या व्यवसायिक क्षमता और दक्षता में सुधार, और फिफ्थ है यहाँ पे विश्व नागरिकता की अवधारणा. लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, असर्शन दिया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन 1992 अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968. रीजन दिया है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज मॉडिफाइड इन 1992. तो ए फॉल्स है बट आर करेक्ट है, या ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दो ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों करेक्ट हैं बट आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड डी है ए करेक्ट है बट आर क्या है फॉल्स है. तो इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ए बी सी डी में से आपको कमेंट करके बताना है. हिंदी में इसमें है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो आई थी आपकी 1968 में, इसी के तहत आपका आगे इसी को सुधार करके 1992 में फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया. एंड इसका रीजन दिया गया है कि जो 1986 की नीति आई थी उसे 1992 में संशोधित किया गया था. तो इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन आपको बताना होगा कमेंट करके. तो अब अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जितने भी अपडेट जो भी लेक्चर्स आते हैं वो मिलते रहें. एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो 7983233626, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, 626 नंबर पे आप कॉल करिएगा. और एडमिशन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 9015958713 पे. सो थैंक यू गाइज, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर.